व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू। आप सब ऑलरेडी जानते हो कि आजकल प्यार करना ये सब नॉर्मल है। ओके, हर कोई प्यार करता है, हर कोई हर किसी को आई लव यू बोलता है। ये नॉर्मल सिंपल चीज़ हो गई प्यार, ठीक है। कोई किसी को भी आई लव यू बोलता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम यहाँ पे, हमें कोई मतलब नहीं है प्यार व्यार से। हम सिर्फ इतना जो यूज आते हैं, हम किसी भी, कोई भी आजकल देखा होगा, हर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से आई लव यू बोलता है, आई लव यू टू, आई हेट यू, ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज लेता है। तो आप सब ऑलरेडी इन सेंटेंस के बारे में जानते हो। जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, नॉर्मली आप सब लोग उनको जानते हो। और ज़्यादातर सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, सब लोग ये सब यूज करते हैं। पर फिर भी मैं अपन जो भी अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से या जो भी आपका है उनसे, आप कर उनको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, अपना इंग्लिश में अपना प्यार कैसे इजहार करोगे उनसे, आज वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो लव यानी अपन प्यार से जुड़े हुए सेंटेंस में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जो अपने आप अपने साथी या अपने प्यार से अपने गर्लफ्रेंड से इजहार कर सकते हो उनके थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं बोलूँगी आई लव यू, तो आई लव यू को हिंदी में बोलेंगे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ का इंग्लिश क्या हो गया, आई लव यू। ओके, ये तो हो गया मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो हो गया आई लव यू। एंड मैं बोलूँ कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो नफ़रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट करना, HATE, हेट यानी नफ़रत। तो आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। सॉरी, ऐसा कोई किसी से ना बोले, बट आई हेट यू। अब मैं किसी को बोलूँगी आई लव यू, तो मैं उससे यही पूछूँगी ना, क्या तुम उससे प्यार करते हो, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, डू यू लव मी, तो डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ओके, फिर मैं बोलूँगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो आई डोंट लव यू, डोंट यानी नहीं करना। ओके, डू नॉट, इसको शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, तो नहीं कर, तो आई डोंट लव मी, लव यू सॉरी, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नेक्स्ट है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। अब मैं यही बोलूँगी भाई तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते को क्या बोलेंगे, वाई डोंट लव मी, वाई डोंट लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, वाई डोंट लव मी, क्या हो गया इसका इंग्लिश में, वाई डोंट लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। नेक्स्ट हो जाएगा, तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो। मैं क्या बोलूँगी अगले से, भाई तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो नफरत क्यों करते हो, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। अपन मतलब मैं बोलूँगी तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो इसको बोलेंगे अपन वाई डू यू हेट मी। हेट यानी मैंने बताया नफ़रत करना, मी यानी मेरे से, वाई यानी क्यों, डू यू तुम मुझसे, तो वाई डू यू हेट मी, तुम मुझसे नफ़रत क्यों करते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या तुम्हारा, फिर मैं उससे पूछूंगी भाई तुम मुझसे नफ़रत क्यों करते हो, तो भाई क्या कोई तुम्हारा कोई और प्रेमी है या तुम किसी और से प्यार करते हो, तो क्या तुम्हारा कोई और प्रेमी है, तो डू यू हैव ए बॉय, मतलब गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है। मैं बोलूँगी भाई क्या तुम्हारा कोई और प्रेमी है, प्रेमी या प्रेमिका है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड, डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड या डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड। जैसे भाई तुम्हारी गर्ल, क्या तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है, तो ये हो जाएगा डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड। अब प्रेमिका तो हो गई गर्लफ्रेंड एंड प्रेमी हो गया बॉयफ्रेंड। ओके, उसे बोलूँगी अगले से पूछूँगी भाई क्या आपको कभी प्यार हुआ है किसी से, या आपको कभी प्यार हुआ है, या कभी आप प्यार में पड़े हो, या किसी से प्यार हुआ है आपको कभी, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो इसको कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर फॉलन इन लव, हैव यू एवर फॉलन इन लव, मतलब क्या आपको कभी प्यार हुआ है। तो मैं क्या अगला क्या बोलेगा या मैं क्या बोलूँगी उससे, तो मैं बोलूँगी कि नहीं मुझे कभी प्यार नहीं हुआ है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं मैं कभी प्यार में नहीं पड़ा या नहीं पड़ी।
मैं कभी प्यार में नहीं पड़ा, मतलब इसको ऐसे वो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे नो मतलब नहीं, आई हैव नेवर फॉलन इन लव, फॉलन इन लव, आई हैव नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, फॉलन इन लव, मैं कभी प्यार में नहीं पड़ा। ज़्यादातर आपने देखा होगा हर लड़की या लड़का एक डायलॉग मारता है, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे जैसे लीव मी, लीव यानी होता है छोड़ना, एल ई ए वी ई, लीव यानी छोड़ना होता है। ओके, और एल आई वी ई, लाइव यानी होता है मतलब नहीं जी सकता, जीना। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना, या प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो इसको बोलेंगे प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी, आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू, आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट, क्या हो जाएगा, प्लीज़ डोंट लीव मी, आई कैन लाइव विदाउट यू, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नेक्स्ट, जैसे कि अब क्या बोलेंगे, पर उससे फिर लास्ट में लड़की या लड़का बोलेगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कि आई एम इन लव विथ यू, आई एम इन लव विथ यू, आई एम इन लव विथ यू, मैं तुमसे, मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर उसके बाद बोलेगा वो प्यार हो गया, फिर वो एक चीज़ बोलेगा या बोलेगी कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी या तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा, ठीक है, इसको बोलेंगे आई विल ऑलवेज विथ यू। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई विल ऑलवेज, ऑलवेज यानी होता है हमेशा, बी विथ यू, तुम्हारा साथ दूंगा। ओके, उसके बाद जानू मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बोलते हैं ना ज़्यादातर लड़की या लड़का बोलता है कि जानू, जान वगैरह वगैरह, तो जानू मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तो जानू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट बोलते हैं जानू को। ओके, तो ओके, तो आगे क्या बोलेंगे अपन, जैसे एक लड़की बोल रही है या लड़का बोलेगा जानू मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, ओके, तो जानू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्वीट हार्ट। ओके, तो आई मिस यू अलॉट स्वीट हार्ट, आई मिस यू अलॉट स्वीट हार्ट, जानू मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर एक लड़की या लड़का बोलेगा कि वादा करो, मतलब मेरे से प्रॉमिस करो, मुझे नहीं छोड़ोगे आप, जैसे है ना, तो वादा करो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी। ओके, अब वो वादा कर लेगी, उसके बाद बोलेगी या बोलेगा कि वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, मतलब एक लड़की या लड़का बोल रहा है एक दूसरे से कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्रॉमिस मी, तो बोलेगा प्रॉमिस मी यू विल नेवर लीव मी, यू विल नेवर लीव मी, नेवर यानी कभी नहीं, लीव मी यानी छोड़ना, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, प्रॉमिस मी यू लीव नेवर लीव मी। ओके, तो ये हो गया, वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट है वो बोलेगा या बोलेगी जाने मन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे बहुत लंबा लंबा फेंकते लोग कि जाने मन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ओके, तो बोलेगा जाने मन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, तो जाने मन को इंग्लिश में बोलते हैं डार्लिंग। ओके, तो डार्लिंग माई लव, मेरा प्यार फॉर यू विल नेवर एंड, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। ओके, क्या हो गया इसका, डार्लिंग माई लव फॉर यू विल नेवर एंड, नेवर यानी कभी नहीं, एंड यानी ख़त्म नहीं होगा, जाने मन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, डार्लिंग माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। फिर जैसे कोई बोलता है मुझे आप बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत पसंद हो, तो क्या बोलेंगे इसको, आई लाइक यू सो मच, लाइक यानी पसंद करना, एल आई के ई, लाइक यानी पसंद करना, आई लाइक यू सो मच, मच यानी अधिक। आपने देखा होगा कभी कभी लड़के एक डायलॉग भी मारते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए ही जीता हूँ, तुम ही हो मेरी जो हो सब, है ना, तो मैं सिर्फ आपके लिए ही जीता हूँ, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई ओनली लाइव फॉर यू, आई ओनली, ओनली यानी केवल, तो आई ओनली
लाइव फॉर यू, LIVE, लाइव यानी होता है जीना, ठीक है, तो आई ओनली लाइव फॉर यू। फिर बोलते हैं जैसे कि मैं तो हर वक्त ना तेरे बारे में सोचता रहता हूँ, और कुछ तो मेरे को आता ही नहीं दिमाग में, मैं हर वक्त आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो मैं हमेशा आपके बारे में, हर वक्त आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ या रहती हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, आई ऑलवेज हमेशा, थिंक यानी सोचना, ऑफ यू तुम्हारे बारे में, ओके? फिर बोलते हैं जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा तुमसे प्यार, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मरते दम तक करता रहूँगा तो एंड आई विल लव यू अनटिल आई डाई, मतलब मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करूँगी, आई विल लव यू अनटिल आई डाई, डाई एन डी आई ई यानी मरना, ओके? फिर हम बोलेंगे कि काश कि मैं तुम्हें बता सकता या बता सकती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, काश कि मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो इस मतलब इसका ये होगा कि आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू, आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू, काश कि मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर बड़ा बड़ा बोलते हैं कि मेरी आंखें बंद करते हैं मुझे तुम नज़र आती हो वगैरह वगैरह, ओके, जैसे कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ या देखता हूँ, तो वेन यानी जब, आई क्लोज यानी बंद करना माई आईज़, तो ये इसका क्या हो गया, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ, तो वेन आई क्लोज माई आईज़ आई सी यू, वेन यानी जब, क्लोज यानी बंद करना माई आईज़ मेरी आँखें, आई सी SEE यानी देखना, तो आई सी यू मैं तुम्हें देखती हूँ। फिर आता है नेक्स्ट कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती या नहीं भूल सकता कभी भी, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तो आई कैंट फॉरगेट यू, फॉरगेट यानी भूलना होता है, FORGET, फॉरगेट यानी भूलना, तो आई इसको ऐसे बोलो, आई कैन नॉट फॉरगेट यू, आई कांट फॉरगेट यू। फिर बोलते हैं कि तुम मेरी हो, तो यू आर माइन, यू आर माइन, माई माई का माई से ही माइन बना, MINE, माइन यानी मेरी होना, ठीक है, तो यू आर माइन, तुम मेरी हो। नेक्स्ट है, और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करूँगी, मैं तुमसे ही हमेशा प्यार करूँगी, ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगी, इसको कैसे बोलेंगे, आई विल लव यू फॉर एवर, FOR EVER, आई लव फॉर एवर, हमेशा प्यार करूँगी। तो ये थे गाइज आज कुछ प्यार से जुड़े हुए रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, सो प्लीज़ आप सुनना एक बार, आपको अच्छे लगे तो।